नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आबकारी विभाग ने कदमा स्थित क्वार्टर में छापेमारी कर अवैध शराब बनाने के कारोबार का किया भंडाफोड़। आजाद नगर के जाकिर नगर में आपसी विवाद में व्यक्ति घायल, एमजीएम में भर्ती। भुयाडी के छाया नगर में 2.5 माह का बच्चा गिरा खौलते पानी में, स्थिति गंभीर। और एमजीएम अस्पताल के बदहाली के खिलाफ भाजपा पार्टी ने किया सांकेतिक मौन प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। आबकारी विभाग ने कदमा ग्रीन पार्क स्थित एक क्वार्टर में छापेमारी कर अवैध शराब बनाने के कारोबार का किया भंडाफोड़। लाखों रुपए मूल्य का सामान बरामद, मामले में एक महिला गिरफ्तार। आबकारी विभाग ने कदमा ग्रीन पार्क स्थित A/29 क्वार्टर में छापेमारी कर अवैध शराब बनाने का कारोबार का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 40 लीटर स्विफ्ट, नकली स्ट्रीकर समेत लाखों रुपए मूल्य का सामान बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SI संदीप कुमार नाग ने बताया। हमें सूचना मिली थी कि कदमा थाना अंतर्गत जो है ग्रीन पार्क में अवैध शराब बनाने का कारोबार चल रहा है। उसी को हम लोग अपने स्तर से सत्यापित करते हुए जो है मकान संख्या A/29 पे आज सुबह हम लोग छापामारी की है। छापामारी क्रम में भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। उसमें आपका 40 लीटर स्प्रिट है, 3 लीटर कैरामेल है और विभिन्न ब्रांड का जो है नकली स्टिकर और ढक्कन मिला है। इधर आजाद नगर थाना स्थित जाकिर नगर में आपसी विवाद में मारपीट में एक व्यक्ति घायल, इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया। आजाद नगर थाना स्थित जाकिर नगर में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई, जिसमें सैयद शाबिर इकबाल नामक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, वहाँ से आ रहे थे घर नाश्ता करने, तो वो लोग रास्ता में अपना गाड़ी को खड़ा कर दिया, हॉर्न मारे तो और उसका जो फैसल है पूरा नशा करा हुआ था। उधर भुयाडी स्थित छाया नगर में 2.5 माह का बच्चा खौलता पानी में गिरा, स्थिति गंभीर, इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया। भुयाडी स्थित छाया नगर पर 4 वर्ष की बच्ची अपने 2.5 माह के भाई को गोद में लेकर खिला रही थी। इस दौरान बच्चा घर में रखे गर्म पानी में गिर गया, जिसके कारण बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए विशाल यादव ने बताया। कैसे हुआ ये? खेलते खेलते गर्म पानी में गिर। बच्चा को कौन लिया हुआ था? लड़की ली थी। अच्छा, खेल रही थी, उसके बाद गर्म पानी में गिर। कहाँ पर? घर में। घर में हुआ है? फिर आप लोग लेके फिर कैसे पता चला? आप लोग कहाँ थे? आप लोग बाहर में थे, रोया था, फिर से भाग के पहले डॉक्टर अग्रवाल को दिखाया, फिर MGM में। वहीं MGM अस्पताल के बदहाली के खिलाफ भाजपा पार्टी ने किया सांकेतिक मौन प्रदर्शन। MGM अस्पताल के बदहाली एवं कुव्यवस्था के खिलाफ भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक कुणाल हारंगी के नेतृत्व में एक दिवसीय सांकेतिक मौन प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि अस्पताल में मौजूद लगभग सभी मशीन खराब है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि MGM अस्पताल की देखरेख में प्रशासक विफल रहा है। उन्होंने कहा कि भिक्षाटन कर मशीनों को ठीक करवाने के लिए अस्पताल प्रबंधन को राशि मुहैया कराई जाएगी। ये मैसेज देना जाना कि हमें लोग गर्व हो गया जब हेमंत सोरेन ने बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य मंत्री बनाया, तो हमें लगा कि चलिए गरीब गुरबों का इलाज होगा। एक दिन दाई गुटू के एक ही परिवार के 2 लोगों का कमर का हड्डी टूट गया। मैं आया था, उनके परिजन भी मेरे साथ आए हुए हैं। डॉक्टरों ने कहा
कि उनका इलाज यहाँ नहीं होगा क्योंकि सीआरएम मशीन खराब है। हमने पूछा, आपने विभाग के लोगों को बताया कि सीआरएम मशीन क्यों खराब है, बोला कि हमने एक नहीं दर्जनों बार चिट्ठी लिखा। ये बात डॉक्टर नकुल चौधरी ने मुझे दूरभाष में कहा, जो मेरे मोबाइल में कैद है। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो लोगों ने बताया कि सर यहाँ तो इको मशीन भी खराब है। द्वारा लगातार इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, चाहे वो एनएच की समस्या हो या एमजीएम अस्पताल को लेकर हो, लगातार वो मुखर रहते हैं, हर स्तर पर अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी उसे निभाने की कोशिश करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। मैं एक आम नागरिक के तौर पर आज उनके इस कार्यक्रम में शरीक होने आया हूँ और उनको अपना नैतिक समर्थन देता हूँ कि आज जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की स्थिति चरमराई हुई है और विशेष तौर पर एमजीएम की स्थिति आप देख रहे हैं, अगर एक बिल्कुल आम टेस्ट जिसे कहा जाता है इको, सिटी स्कैन, सीआरएम जैसे टेस्ट अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आखिर किस व्यवस्था के तहत ये सरकार चल रही है। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर में ईएसआई अस्पताल बनवाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय मजदूर संगठन के प्रतिनिधि ने डीसी को सौंपा मांग पत्र। जमशेदपुर में ईएसआई अस्पताल बनवाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय मजदूर संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है ताकि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों का निःशुल्क इलाज हो सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष अजय ओझा ने बताया, का संस्था राष्ट्रीय मजदूर संगठन है और हम लोगों ने कोरोना काल में यह देखा कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर सबसे ज़्यादा सफर कर रहे हैं मेडिकल के नाम से। जमशेदपुर शहर मजदूरों का शहर ही कहा जाता है और यहाँ पे एक ईएसआई हॉस्पिटल नहीं है, जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों ने ईएसआई हॉस्पिटल खोलने के लिए ही सरकार से मांग कर रहे हैं। और मतदाता सूची में गड़बड़ी को ठीक करने की मांग को लेकर बागबेड़ा के जनप्रतिनिधियों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। मतदाता सूची में नाम सुधार कराने की मांग को लेकर बागबेड़ा के जनप्रतिनिधियों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामजय सिंह त्यागी ने बताया कि उत्तर पूर्व बागबेड़ा पंचायत के मुखिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मतदाता सूची में ग्रामीणों का नाम कटवा दिया है। पिछला 28-29 नवंबर और 5-6 दिसंबर को जो मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा, उस समय हमारे उत्तर पूर्वी बागबेड़ा पंचायत के मुखिया नीनू देवी उर्फ नीनू कुदादा और उसका सहयोगी वार्ड सदस्य सुरेश निषाद के द्वारा आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर अपने फायदे के लिए अपने विरोधियों का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का काम कर रहा है बीएलओ के मिली भगत से, और दूसरे पंचायत दूसरे जगह के जो चिंतक उसका है उसका नाम उस वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। इधर गांव से अपने घर गम्हरिया आने के क्रम में एक व्यक्ति बाइक से गिरा। घटना के संबंध में घायल नीलकांत मुखी की पत्नी सुनीता देवी ने बताया कि उसका पति गांव गया था, घर वापसी के दौरान बाइक से गिरकर घायल हो गया। फिलहाल घायल का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बाइक से गिर गया। कहां जा रहा था? घर से आ रहा था, गाँव से चावल लाने गया था, स्टोर में मिलते है ना वही चावल लाने गया था। चावल लाना? हाँ। कौन जगह में हुआ एक्सीडेंट? गाजिया। क्या गाजिया? गाजियापुर में। गाजियापुर का पास? हाँ, उसका नीचे। कहाँ? गमरिया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपना घर, आपके जीवन की चाहत सबसे हसीन आपकी अपनी जमीन, और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर गैलेक्सी डेवलपर, क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हाँ, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर, उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में आपका प्लॉट CMT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं
और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं। गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटी। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, सेकंड फ्लोर अबव रॉयल एनफील्ड शोरूम, अपोजिट श्रीराम फर्नीचर, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 9102165669। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए एवं वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए एवं वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर, नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ एवं वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम एवन वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता एवन वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी एमडी शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन मानगो जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7997998059 और 9433111748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान, द ब्यूटी लेडीज स्पैंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेसियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता, द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। 8321110। फोन नंबर 6206054568, 7050341215। Hi, this is Mavish, और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। विकास ज्वेलर्स, बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, इयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657244 1958 और 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 और 9431301963।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर पोटका प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद सदस्य चंद्रावती महतो उपस्थित रहे। वहीं इस कृषि चौपाल में धान अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी किसानों को दी गई, जिसमें बोनस सहित 2,050 रुपया प्रति क्विंटल सरकार धान खरीद रही है, ये बातें किसानों को बताया गया। वहीं इसके अलावा कृषि लोन के बारे में किसानों को बताया गया और दलहन और तिलहन बीज के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों को काफी लाभ पहुंचाया जा रहा है, ये काफी अच्छी पहल है और ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इसका लाभ ले। वहीं प्रखंड तकनीकी कृषि प्रबंधक कौशल कुमार झा ने कहा कि आज किसान मित्रों को चौपाल के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले। सरकार धान प्रति क्विंटल 2,050 रुपए में खरीद रही है, इसका लाभ ले। किसी पुटका प्रखंड में कृषि कार्यशाला सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था, ताकि इस धान कटाई के बाद इस समय खेती क्या क्या चीज़ का खेती करना चाहिए इसके कार्यशाला में बताया गया और कृषक लोगों को प्रोत्साहन भी किया गया। ये एक कृषि कार्यशाला है जो कि हम लोग एक खरीफ में करते हैं, दूसरा रबी में करते हैं। ये रबी कार्यशाला है और इसमें ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी किसान भाई जो है वो धान काट के अपने घर लाए हैं और जो सरकार का जो जो धान अधिप्राप्ति का नियम है, जो सरकार के द्वारा 2,050 रुपया बोनस सहित उनको प्रति क्विंटल के दर से उनको किसान को दिया जाएगा। उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार को जिले के डीसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कृषि कानून और बिजली संशोधन विधेयक को रद्द करने की मांग की गई। नए कृषि कानून से किसानों पर बोझ पड़ेगा, उनकी हालत बिगड़ जाएगी। हम लोग यहाँ आए थे जिला उपायुक्त के यहाँ, यह मांग कर रहे हैं कि जो अभी तीनों कृषि कानून सरकार लागू किया है उसको वापस ले और जो बिजली विधेयक 2020 का जो संशोधन किया है उसको भी रद्द करे, साथ ही स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको पूर्णतः लागू करे और चुनाव में जो वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे उसके आय को दुगुना करे, यही हम लोग मांग कर रहे हैं यहाँ जिला आए। वही पोटका विधानसभा अंतर्गत अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नए जिला अध्यक्ष का गुलदस्ता और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। अरहर गुट्टू बड़ा तालाब के पास बीजेपी पार्टी के सदस्यों ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नए जिला अध्यक्ष बिना नंद सिरका का गुलदस्ता देकर और लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया। जिला अध्यक्ष बिनानंद सिरका ने बताया कि वो पार्टी द्वारा दिए गए जिम्मेवारियों को कर्मठ रूप से निभाएंगे। सुदूर ग्रामीण से जिस तरह की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी के वरिष्ठ एवं हमारे ग्रामीणों जिस तरह से स्नेह और प्रेम मिला मुझे और पार्टी संगठन में जिस तरह की जिम्मेदारी मुझे मिली है, पोटका विधानसभा के लिए एक गौरवमय इतिहास जो ये पहली बार अनुसूचित जनजाति मोर्चा में जिला अध्यक्ष होने का मुझे अवसर मिला है और मैं पार्टी संगठन के लिए कर्मठ रूप से जिम्मेदारी निभाऊंगा, इस दायित्व को पूर्ण करूंगा। और इधर जहां कोरोना संक्रमण के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, उसी बीच उड़ीसा में आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय नाट्य प्रतियोगिता में करीम सिटी कॉलेज द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। कॉलेज के शिक्षक ने बताया कि करीम सिटी कॉलेज हमेशा ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आ रही है और कई राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में कई पुरस्कार भी जीतते आई है। कॉलेज के प्राचार्य और मैनेजमेंट द्वारा काफी कॉपरेट किया जाता है ताकि बच्चों की प्रतिभा बाहर आए, साथ ही कोरोना को ध्यान में रखकर नाटक का मंचन भी किया गया। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 3 नाटक का रिकॉर्डिंग किया गया है जिसके निर्देशक शिवलाल सागर है। ये नाटक अलग अलग जगहों में प्रतियोगिताओं में भेजे जाएंगे। इसलिए
दिया उसकी वो आंखें जिसमें कुछ कर गुजर नहीं खड़ा स्पंदन महोत्सव हो रहा है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ये भी एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है, उसके लिए भी वो अपना ड्रामा भेज रहे हैं। तो इन सारी गतिविधियों के लिए हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं और हमारे जो कॉलेज के ड्रामा शिक्षक हैं शिवलाल सागर सर, उन लोगों ने बड़ी मेहनत से और बड़ी कर्तव्य निष्ठा से इन सारी चीज़ों को बहुत सुचारू रूप से किया है। और सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी करते रहे, जैसा मैंने पहले भी कहा, और ड्रामों का रियाज और रिहर्सल भी करते रहे। इस सिलसिले में हमारी मैनेजमेंट की ओर से, खास करके हमारे जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, उनकी ओर से, डॉक्टर मोहम्मद रियाज सर की ओर से काफ़ी सारी जो कोऑपरेशन जो है वो हमें मिला। अब धीरे धीरे सब कुछ होने लगा है, तो राउरकेला में स्पंदन नाम की एक संस्था है, वो एक प्रतियोगिता करा रही है अखिल भारतीय स्तर पर, जिसमें देश के लगभग 20 टीमों ने भाग लिया है। उसमें हमारा कॉलेज भाग लिया है, उसमें एक नाटक हमने दिया है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद की कहानी है, जैसे दो महिला, एक बेटी जो 16-15 साल की एक लड़की जो स्कूल में पढ़ती है, और एक 40 साल पार करने वाली औरत, दोनों में एक सेक्स साइकोलॉजी पर एक है कि जब उम्र आती है जवानी का तो एक क्या फीलिंग है, और जब उम्र ढलने लगती है तो उस उम्र में क्या भय पैदा होता है महिला में। तो दोनों अपने आप को कॉन्शियस करते हैं, और एक लड़का बीच में है जो पेइंग गेस्ट है, वो माँ भी उसे चाह रही है और बेटी भी प्यार करती है। तो एक बिल्कुल एक सेक्स साइकोलॉजी पर, एक मनोविज्ञान पर। उधर जरूरतमंद लोगों की सेवा के साथ साथ समाज में एकजुटता का भी परिचय देती एकता साहू परिवार। छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार की ओर से जादूगोड़ा नरवा डैम के खूबसूरत प्राकृतिक वादियों के बीच पिकनिक का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार जरूरतमंदों और गरीबों के बीच बढ़ चढ़ कर सेवा प्रदान करती है और समाज में एकता का परिचय देते हुए हर साल पिकनिक कार्यक्रम का भी आयोजन करती है। वहीं छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार के संरक्षक सीलू साहू ने कहा कि आज हम लोग छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार के ओर से वन भोज कार्यक्रम रखे हैं। काफी अच्छी जगह है, सरकार को पर्यटन स्थल के रूप में इस जगह को सोचना चाहिए। वनभोज कार्यक्रम में आए हुए हैं और ये नरवा माइंस में आए हम लोग, नदी के किनारे हैं, बहुत ही अच्छा जगह है ये, और इन्हें इसे पर्यटन स्थल के लिए सरकार को सोचनी चाहिए और यहाँ की व्यवस्था को थोड़ा सुधार करना चाहिए। और जरूरतमंदों के बीच कंबल, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। उत्तरी घाघरी पंचायत में गरीबों और जरूरतमंदों के बीच लिटिल हार्ट स्कूल एवं मेरा किट ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से कंबल, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन का वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी और मेरा किट ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल और सचिव रीता पात्रो और अन्य सदस्य मौजूद रहे। कम्बल वितरण कार्यक्रम आयोजित उपस्थित एखने लोकप्रिय जिला पार्षद सुदीप्त दे राणा जी, संतोष अग्रवाल जी, बॉबी भाई, अरविंद बाबू और संस्था समस्त सम्मानित पदाधिकारी सहयोगीरा, आपनादेर सबाइके हार्दिक अभिनंदन और सबथेके बेशी हृदय थेके आभार जे ठंडार दिने जे कोनो एरकम एकटा मानुष जार कि सम्बल नेई एकटा कम्बल केनार जन्य, ओर काछे जे आपनारा आजके एई सहायता एई सहयोग साहाय्य करे दियेछेन खुबई बड़ कथा। আর আমি আপনাদেরকে আভার জানাবো যে যেভাবে আপনারা সিলেকশন করেছেন লাভুকদের, খুবই ভালো সিলেকশন হয়েছে আর নিতান্ত যাদের দরকার।
आनंद मार्ग ने गदरा में जरूरतमंदों के बीच बांटा कंबल। जमशेदपुर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के ओर से गदरा के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले 100 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर सुनील आनंद समेत कई लोग मौजूद रहे। फोटो हम ले रहे हैं, तुम फोटो खींचो ना। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आबकारी विभाग ने कदमा स्थित क्वार्टर में छापेमारी कर अवैध शराब बनाने के कारोबार का किया भंडाफोड़। आजाद नगर के जाकिर नगर में आपसी विवाद में व्यक्ति घायल, एमजीएम में भर्ती। भुयाडी के छायानगर में 2.5 माह का बच्चा गिरा खौलते पानी में, स्थिति गंभीर। और एमजीएम अस्पताल के बदहाली के खिलाफ भाजपा पार्टी ने किया सांकेतिक मौन प्रदर्शन। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।